नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से स्वागत है। और चर्चा करेंगे अभी हीरो हीरोइन योग कुंडली में। अपने बहुत से भाई बहन यंग जनरेशन जो है, उनका बार बार कमेंट्स आते हैं कि पंडित जी, गुरु जी, सर, हमें बताइए कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसके हिसाब से हम फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ अपना रुझाव कर सकते हैं, हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस मॉडल वगैरह की दुनिया में जाने के लिए कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हमको ज़रा बताइए, उनके लिए कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उस तरह से हम अपनी जो दिशा है वो बदल सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत से व्यक्ति पर्सन काम अलग करते हैं लेकिन उनका जो प्रोफेशन है वो अलग आता है, मतलब जो पढ़ाई उन्होंने की है, लिखाई की है, इलेक्ट्रॉनिक्स बने हैं या इंजीनियर बने हुए हैं या मेडिकल फील्ड में है या कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर है, लेकिन अगर उनकी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन अलग है तो उनको खींच के उस तरफ जाना पड़ता है, प्लैनेट्स उनको चला के लेके जाता है। तो बहुत से यंग जनरेशन है, उनके माता पिता भी हमसे संपर्क करके पूछते हैं कि कौन से उनके प्लैनेट्स ऐसे रहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ मॉडल एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन की तरफ व्यक्ति पर्सन को ले जा सकते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा एक वीडियो बताइए। तो ये जो यहाँ कुंडली मैंने ड्रॉ की है वो बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर है जिनका नाम बादशाह के हिसाब से लिया जाता है, बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कुंडली का अपने विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोई फिल्मों से नाता जूता नहीं था, इनकी इंडस्ट्री से बहुत बहुत दूर तक कोई संबंध नहीं थे, वो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से आके उन्होंने बम्बई में स्ट्रगल किया और काम उनको अपने आप नसीब के हिसाब से मिलते रहे। तो कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिसके हिसाब से व्यक्ति पर्सन फिल्म इंडस्ट्रीज में जा सकता है? बहुत से व्यक्ति पर्सन सपने लेके आते हैं, लाखों लोग रोज़ बम्बई के अंदर आते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए एक्टिंग की लाइन के अंदर, लेकिन बहुत से जूझ लोग हैं जो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो उनमें से एक है ये शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब की कुंडली इसलिए मैंने ली है क्योंकि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में से आए हुए हैं और उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया, पैसा कमाया इंडस्ट्रीज़ के अंदर और आज अपने एक वजूद लेके बैठे हुए हैं। तो देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन से ग्रह प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले देखा जाएगा वीनस। वीनस माने शुक्र, शुक्र महाराज की पोजीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि ग्लैमर जगत को वही चलाते हैं, शुक्रवार को हर फिल्म में आती है, शुक्र ही वैभव लग्जरियस लाइफ जो जाहो जलाली देखी जाती है, जो स्टार बोलते हैं, जो चमकते जो स्टार है स्काई के अंदर वो शुक्र का प्रतीक है, वीनस है, स्टार मतलब वीनस, और अपने इनको हीरो हीरोइन मतलब स्टार बोलते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल रहती है वो अलग ही रहती है, इसलिए शुक्र को पहले प्राधान्य दिया जाएगा और बाद में शुक्र का जो चेला है जो है राहु महाराज उसको ही इतना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना शुक्र को दिया जाएगा, वीनस को दिया जाएगा, क्योंकि शुक्र चलता है राहु के हिसाब से और राहु चलता है शुक्र के हिसाब से। गुरु के हिसाब से चेला हमेशा चलेगा, गुरु के इंस्ट्रक्शन से चेला हमेशा चलेगा, इसलिए राहु की पोजीशन भी देखी जाएगी आपकी कुंडली में, अगर वो भी तेज है तभी आप पूरी दुनिया को अपने पीछे घुमा सकते हो, पूरी दुनिया आपके गानों पे नाच सकती है, झूम सकती है, आपकी दीवानी बन सकती है, और राहु ही वो सबका कारक गिना जाता है। और इनकी कुंडली में राहु दशम स्थान में वृषभ राशि के ऊंच के होके बैठे हुए हैं, बादशाह का जो बिरुद मिला है इनको वो दशम स्थान के राहु के हिसाब से मिला है, राहु जब भी दशम स्थान में रहेगा वो भी ऊंच का, ये देखो उनको एक मामूली पोजीशन से आज कहाँ बॉलीवुड का बादशाह बना के बिठा दिया है इनको ये राहु महाराज ने। शुक्र कहाँ बैठा है इनका, फिफ्थ हाउस में, पंचम स्थान एक्टिंग एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क के लिए बोला जाता है, इसलिए एक्टिंग के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र खुद कहाँ है, कर्मेश होके शुक्र जाके बैठा है पंचम स्थान में, जब भी कर्म स्थान का लॉर्ड जो भी रहता है वो अगर पंचम स्थान में बैठा जाएगा तो आपकी जो इनकम रहेगी वो आप कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाओगे, ये एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क बोला जाता है। पंचम स्थान मतलब यहाँ जब भी कोई प्लैनेट्स बैठता है अगर किसी का लॉर्ड्स होता है वो देखने के बाद देखा जाएगा कि वो लॉर्ड्स किसके हिसाब से काम करेगा। शुक्र बैठा है
तो वो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करेगा, वो कोई ऐसी ग्लैमर जगत के लिए काम करेगा, फिल्म मूवीज़ ये सबसे लोग जो जुड़े हैं उनके लिए काम करेगा। इसलिए इनका जो 10th हाउस का जो लॉर्ड्स है वो जाके बैठा है पंचम स्थान में, वो भी धनु राशि में, और खुद गुरु महाराज इनको देख रहे हैं। इसलिए शुक्र की पोजीशन तेज है, राहु की पोजीशन तेज है, और बाद में मंगल को भी इतना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि मंगल ही सब कर्तव्य दिखा सकता है। कर्तव्य मतलब जो फैक्ट, जो फाइट बोलते हैं, जिसको कहीं से किसी को मारना है, कूदना है, अपना जंपिंग करके उसको आगे चलना है, डांस करना है। इसलिए मंगल भी इतना इम्पोर्टेंस गिना जाएगा। कुंडली में मंगल तेज होगा तभी व्यक्ति पर्सन हीरो बन सकता है। हीरोगिरी दिखाना वो कोई मामूली बात नहीं है, जंप लगाना, कूदना, मारना करना, ये सब करना, कर्तव्य दिखाना वो मंगल कर सकता है। मंगल के अंदर इतनी ताकत है, एनर्जी है, स्ट्रेंज है, वो दिन रात भाग सकता है, दिन रात दौड़ सकता है। इसलिए मंगल इनका वृश्चिक राशि में खुद के घर में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है, और वहाँ जाके केतु बैठा है। केतु जब भी, मैंने आगे बहुत से वीडियो में बोला है, जो ग्रह के साथ बैठेगा उसकी सीमा को बढ़ा देगा। अगर पॉजिटिव होकर बैठा है तो, नेगेटिव है तो उसकी सीमा को घटा देगा। इसलिए मंगल किसके साथ बैठा हो, बुध के साथ, केतु के साथ, ये सब तीनों प्लैनेट्स के साथ केतु बैठने से दोनों के साथ मंगल की भी रेंज बढ़ा दी, बुध की भी रेंज बढ़ा दी। बुध इनकी कुंडली में धन स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी है, और जो जाके कहाँ बैठा है, 4th हाउस में, इसीलिए इतने बड़े घर में रहते हैं, मन्नत जैसे घर में, और BMW और लग्जरियस गाड़ियों में घूमते हैं। इसलिए अगर आपके प्लैनेट्स भी शुक्र तेज है, राहु की पोजीशन तेज है, मंगल तेज है, तभी आप उसमें ध्यान दीजिए, वरना आपका टाइम वेस्ट करने जैसा काम होगा, पैसे बिगाड़ने जैसा काम होगा। लेकिन आपके ग्रह ऐसे पड़े हैं, स्ट्रांग है राहु, शुक्र, मंगल, तो आप उसमें जा सकते हैं, आप भी अपना नसीब आजमा सकते हैं, और ऐसे ग्रह बैठे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिल सकती है। इसलिए कुंडली को बराबर ध्यान से देखें, फिर इस चीज़ में आप ध्यान दें। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।